आणूच दिलं नसतं कोणी. कारण की काय होतं, हे 3 किलोमीटर परत रिटर्न आता 2.7 किलोमीटर आहे, मग त्यांचं आता माझी ठीक आहे इलेक्ट्रिक बाईक आहे, परंतु दुसरं पेट्रोलवाल्यांचं नसतं गेलं. ते बोलले असते ती तुमची चुकी, आम्ही काय करणार त्याला 230 आहे, 56 230 नोटची अवस्था लय बेकार करून दिली तुम्ही. पूर्णच करा ना. हे गाइज अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हो आप सब, आई होप कि आप सब ठीक होंगे. सो गाइज आप सोच रहे होंगे आज की ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से कहाँ से. तो गाइज मेरे को एक्चुअली लगा था कैफे सेफ्रॉन का ऑर्डर लगा है और मेरे को ये देना है गेट नंबर 11 पे. तो मैंने ऑर्डर लेट हुआ था, ऑर्डर मेरे को घर पे ही गिरा था, तो मैंने जल्दी से लॉग इन किया था, ऑर्डर घर पे ही गिरा था तो मैंने जल्दी से निकला नहीं तो तुमको तो पता है ऑर्डर लगेज इनकम्प्लीट में जाता है, 2-5 मिनट में ऑर्डर इनकम्प्लीट में जाता है. तो फिर मैंने निकला बीच में से शॉर्टकट रास्ते से. तो मैं ये अपने पास में पीछे दिख रहे ना, देखो ये जो भुईकोट किला है पीछे, भुईकोट किले के पास से मैं जा रहा था. तो मैंने सोचा जाते जाते चलो ब्लॉक की शुरुआत यहीं से करता हूँ और फिर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ से गेट नंबर 11 ओनली 1 किलोमीटर है, बीच में का शॉर्टकट रास्ता है ये वाला शॉर्टकट रास्ता है. तो गाइस ठीक है, चलो मिलते हैं, ऑर्डर देते हैं और मिलते हैं सेकंड ऑर्डर, क्योंकि ये मेरे को ऑर्डर गिरा है इवनिंग का, अभी इवनिंग का टाइमिंग है. देखो दिख रहा है, तो ये है इवनिंग का टाइम. तो मेरे को ये ऑर्डर गिरा है 40 रुपये का और इवनिंग से स्टार्ट होता है अपने को 10 रुपये पर ऑर्डर, 10 रुपये पर ऑर्डर चालू होता है, क्योंकि मैंने आज बुक किया था 12 से 3 और 3 से 6 गैप चार्जिंग के लिए और उसके बाद फिर 6 से रात को 12 बजे तक. लेकिन आज अपन लॉग इन हुए 6 बजे लॉग इन हुए, 6 से 11 करेंगे क्योंकि अपने को बस 400 रुपये कमाना है, उसके ऊपर नहीं. क्योंकि कंपनी 8 दिन से कंटिन्यू रमज़ान से ना कंपनी ऑफर दे रही है, 15 रुपये डिनर, लंच 20 रुपये, लेट नाइट 20-25 रुपये, लेकिन अपन नहीं कर रहे. फिर भी कंपनी का मैसेज आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लॉगिन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लॉगिन हो, लेकिन अपने को कोई ज़रूरत नहीं. अपन वीडियो के लिए लॉगिन रह रहे हैं, बस अपने को इस कितनी की ज़रूरत है, 400 रुपये की, वो अपने आराम से हो रही है. सो गाइस चलो निकलते, देते गेट नंबर 11 पे ऑर्डर और मिलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पे. ठीक है चलो. तो गाइस अभी मैंने जो 2 आर्मी के बंदों का ऑर्डर जो दिया ना बॉम्बे बेकरी का सेफ्रॉन का, तो मैंने ना माइक का है ना पिन ही नहीं लगा था, ये वाली पिन है ना लगाया नहीं था, मेरे ध्यान में नहीं, अभी हाथ लगाया तो मैंने लेके लटक रहा है तो पिन था तो अभी लगाया, क्या मालूम अब उस वीडियो के अंदर आवाज़ कैसा आया होगा पता नहीं. अभी यहाँ पर पुलिस चेकिंग चल रहा था, पुलिस वैन यहाँ खड़ी थी, अभी चले गई. ये जामगढ़ सोलापुर का चौक है, यहाँ हमेशा पुलिस होती है, चेक पोस्ट यहाँ पे चेक पोस्ट बना के खड़े रहती है और आने वाले जाने वाले 2-व्हीलर 4-व्हीलर 3-व्हीलर 6-व्हीलर सबको चेक करती है. लाले लाले तरबूज लाले 50 के 3 अरे ख़राब निकलते भाई वो तरबूज 50 के 3. मार्केट में से लाया मैंने 200-150 रुपये के 10-12 तरबूज लाया, उसमें के 4-5 खाने में आए, बाकी के ख़राब हो गए. देखो सनसेट दिख रहा है, सनसेट देखो, अभी यहाँ से दिखना मुश्किल हो काटे हैं. चलो गाइस देखते हैं सेकेंड ऑर्डर कहाँ का मिलता है कहाँ का नहीं. अगर सनसेट देखना होगा तो मैं आपके लिए फ्लाईओवर के ऊपर जाऊँगा, क्योंकि मेरे को फ्लाईओवर के ऊपर जाने के लिए बहुत लंबा रूट कट करना पड़ेगा. फिर भी चलो कोशिश करते हैं, अपन जाते देखेंगे ऊपर से सनसेट कैसा ज़बरदस्त दिखता है, जाएंगे अपन. चलो देखो ये सब बढ़िया टाइप से सनसेट दिख रहा है. फिर आपने उतरने का बोले तो रॉन्ग साइड से उतरना पड़ेगा संभल संभल के, क्योंकि यहाँ से 5 किलोमीटर का फ्लाईओवर पास करके उतरना पड़ेगा अपने नीचे. तो अभी रॉन्ग साइड से उतरेंगे अपन, सनसेट देख लिया आपने, चलो क्योंकि यहाँ से बीच में से शॉर्टकट है नहीं. उस बंदे को मैंने हाथ दे दिया और मैंने हजार डस्ट लाइट चालू कर दिया, क्योंकि हम आ रहे हैं रॉन्ग साइड से. निकलते गाइस अपन बिना वजह का घूमने का नहीं, अपने गाड़ी के अंदर अभी 98 किलोमीटर जाएगी, इतनी गाड़ी है. देखते अपने को सेकंड ऑर्डर किधर का मिलता है. तो सन देखो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ट्रैफिक सनसेट. ये देखो ब्लैक थार कैसी दिखती है, जबरदस्त थार.
है प्रोफेसर चौक। एक ऑर्डर दिया अपन ने सैफ्रॉन से 11 नंबर गेट से अपन पूरा नगर कॉलेज फ्लाईओवर इधर उधर घूमते प्रोफेसर चौक आए, लेकिन अपने को कुछ ऑर्डर मिला नहीं। अभी कहाँ तो रुकेंगे अपन, जो कि अपना एक तो भी राइडर मिलेगा अपने को काने कोने में किधर तो खड़े रहा हुआ, तो रुकेंगे फिर उधर, नहीं तो ये रहेंगे फिर ये वड़ा पाव वाले के पास। क्या हुआ, चलो देखेंगे वड़ा पाव वाले के पास है क्या। पहला ऑर्डर देने के बाद कितने देर इस प्रोफेसर चौक में बैठने के बाद, अभी देखो मेरे को 6:15 से 6:30 बज रहे हैं, 1.25 घंटा हो गया। 1.25 घंटे के बाद मेरे को दूसरा ऑर्डर गिरा है, वो भी 25 रुपये का। चला जातो घेतो ऑर्डर, ठीक है। चल रहे यू टर्न ले लेते यहाँ से। एक डेढ़ घंटे के बाद मेरे को गिरा है सेकंड ऑर्डर फ्रोजिटो का। ओला तेले आले आले ओला। चलो गाइस ले लेते अपन अपना सेकंड ऑर्डर। और बाप क्या बड़े बड़े खड्डे रे। और मैडम ने डाला है नंदन वन नगर का एड्रेस, जो कि गिरता है वो बिस्तबाग महल के पास, लेकिन मैडम बोल रही है मेरे को नंदन वन कॉलोनी में आना है, जो कि है एक विराज चौक में। तो अपन जाएंगे अभी एक विराज चौक नंदन वन कॉलोनी और वो नंदन वन नगर अलग है, ठीक है। सो चलो भाई लोग जाते हैं, अभी अपन है प्रेमदान चौक में और अपना ग्रीन सिग्नल लगा हुआ है। ए भावशा ताम आईच्या गावात तुझ्या किरकिरी उगच डोक्याची किरकिरी करू नका रे। चला अभी रात बहुत थार दिख रहा अपने को, ब्लैक थार है तो नवी है। सो गाइस चलो निकलते हैं नंदन वन कॉलोनी। गाइस देखिए अभी इनका लोकेशन देखो मैडम का किधर है। अभी ये एक विरा चौक है, ये वाला एक विरा चौक है और ये जा रहा है बिस्तबाग रोड पे। देखो ये बिस्तबाग चौक का नंदन वन नगर, बराबर। मैडम को कॉल किया है, अब मैडम ने मेरे को समझ में आया था लोकेशन गलत है। हाँ हेलो, आता मी ना समृद्धि होटल है ना, तिथे त्याच्या समोर उभा आहे, कोहिनूर मंगल कार्यालयाच्या समोर। बघा तुमचं लोकेशन कुठे, अपडेट करून घ्या ना। मग आता मी तुम्हाला कॉल केला, अगर अचानक कोणी गेला असतं तर मग तुम्हाला तिकडे जावं लागलं असतं यायला, आणूच दिलं नसतं कोणी। कारण की काय होतं, हे 3 किलोमीटर परत रिटर्न आता 2.7 किलोमीटर आहे, मग त्यांचं आता माझी ठीक आहे इलेक्ट्रिक बाईक आहे, परंतु दुसरं पेट्रोलवाल्यांचं नसतं गेलं ते बोलले असते, ती तुमची चुकी, आम्ही काय करणार 230 आहे छोटे 230 नोटची अवस्था लय बेकार करून दिली तुम्ही, पूर्णच करा ना ऑनलाईन, देतो ना तुम्हाला नंबर। यस ओके, तेवढं ॲड्रेस चेंज करू का। ओके अभी कस्टमर को तो पैर से समझा दिया भाई, ॲड्रेस चेंज कर लो, बंदा अगर उधर जाएगा तो वापस आएगा नहीं, ऑर्डर आपका चले जाएगा। तो बोले ठीक है, अभी अपना हुआ ये दो ऑर्डर, अपने को इसका मिला है 35 रुपये, तो अभी अपने को भरने का है डिपॉजिट। सो अपन डिपॉजिट भरते हैं और मिलते हैं आपको, ठीक है। सो गाइस लेट्स गो, बने रहिए अपने वीडियो के साथ। तो देखिए इधर आया था मैं फ्रोजिटो ऑर्डर देखे, फिर से मेरे को फ्रोजिटो का ऑर्डर गिरी, अभी मैं निकल रहा हूँ वापस से फिर से फ्रोजिटो की ऑर्डर देने के लिए। 25 का गिरा है, वापस से ऑर्डर गिरा है, मल्टी गिरा शायद आई थी। अरे बाप ये काका है, 10 किलोमीटर देख रहे हो मल्टी ऑर्डर 10 किलोमीटर, 104 का दिया है बॉस, 104 का रॉयल चाइनीज पाव भाजी है। अभी पहले मेरे को पिकअप है फ्रोजिटो का, फिर उसके बाद रॉयल चाइनीज पाव भाजी जाऊंगा मैं। सो भाई चलो, अच्छा ऑर्डर दिया है तगड़ा, डायरेक्ट 104 रुपये का। अभी ये लॉन्ग डिस्टेंस रिटर्न पे पकड़ के मेरे को गिरेगा, 120 तक जाएगा आई थिंक, देखेंगे कितना गिरता है कितना नहीं। शायद मेरे को डाउट है ये विखे का होगा, विखे पाटिल का, लेकिन विखे पाटिल तो 10 किलोमीटर पता नहीं, ठीक है वहाँ जाने के बाद ही समझेगा। चलो आप देखते चीज़ ब्रश पिज्ज़ा, चीज़ ब्रश मैग्रीटा पिज्ज़ा, वेज ग्रिल सैंडविच और मोजिटो, इसको पिकअप।
चलो अपन ने ले लिया अभी फ्रोजी टिक ऑर्डर कर लेंगे, कर ले लेंगे, कर लिया है अभी अपन ने इसको पिकअप कर लिया, अभी रॉयल चाइनीज पाव भाजी के पास जाना अपने को। चलो सो देखो फ़ोन आया बीच में, ये देखो कितना ऑर्डर है अपने पास, मल्टी ऑर्डर है। फ़ोन उठा लेते पहले और फिर मिलते कस्टमर के लोकेशन पर। हाँ तो आपने फ़ोन उठा लिया तो देखो, ये देखो ऑर्डर, देखो कितना बड़ा ऑर्डर है अपने पास, मल्टी ऑर्डर है, दोनों भी तगड़ा ऑर्डर है। और मेरे को ये ऑर्डर गिरा था 105 रुपए का और मेरे को रिटर्न पे मिलेगा इसका आई थिंक 15 रुपए, 120 रुपए, और मेरे को कस्टमर ने 30 रुपए टिप डाला। देखो 30 रुपए टिप दिख रहा है, अरे आज तो चांदी है, चांदी बॉस से थैंक्स करेंगे। देखो गुब्बारा फूट गया और चलो आपने को देने का टीवीएस शोरूम के पीछे ये ऑर्डर, और एक दूसरा देने का सैनिक नगर, बराबर है भाई, लंबा तो गिरेगा ये आलमगीर सैनिक नगर। चलो दे देंगे ऑर्डर अपन जल्दी से जल्दी, ये जिसने 30 रुपए टिप दिया है इसको अपन पहले पहले ऑर्डर देने का इसका, तो अपन इसको पहले ऑर्डर दे देंगे क्योंकि इसने 30 रुपए टिप दिया है बॉस। ओए होए चलो, और वो टिप सेकंड कस्टमर का था, इस कस्टमर का नहीं था, ये फर्स्ट ऑर्डर का। तो वैसे भी अपने हाथ में नहीं होता है फर्स्ट ऑर्डर किसका डिलीवर करने का, सेकंड ऑर्डर किसका डिलीवर करने का, ये कंपनी के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं होता है। कंपनी कभी कभी ऐसा करती है 5 किलोमीटर वाले को फर्स्ट डिलीवर देती है और 500 मीटर वाले को सेकंड डिलीवरी देने लगाती है। कंपनी बड़ी शू है, इसके लिए अपन ने फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर कर दिया, सेकंड ऑर्डर आप लोगों को जाने का है सैनिक नगर भिंगार। चलो गाइस दे देते हैं, जाते हैं अभी कस्टमर के लोकेशन पर सेकंड ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के कस्टमर ने दिया है मेरे को टिप 30 रुपीज़ का। सो गाइस ये मेरे को फर्स्ट कस्टमर के लोकेशन से ये ऑर्डर गिरा है 10 किलोमीटर का, और मेरे को 104 जो दिया है ना कंपनी ने, तो फर्स्ट ऑर्डर मेरे पास फ्री करा के लिया, और सेकंड ऑर्डर का से फर्स्ट ऑर्डर के लोकेशन से वो जो विजय लाइन चौक है वो 11.5 किलोमीटर गिर रहा है। मेरे को लगा इतना मस्त ऑर्डर दिया है, लेकिन मेरा काटा है कंपनी ने, मेरा काटा है, इतनी कमी नहीं कंपनी। सो गाइस चलो अभी निकल रहे हैं अपन, जाते हैं, क्या करेंगे अभी, जाना तो पड़ेगा, शॉर्टकट मार के होके जाते हैं। आलमगीर चौक, अभी अपन इस आलमगीर चौक से राइट मारेंगे किरण रोड, सैनिक नगर किरण रोड, यहाँ से राइट मारने का अपने को। तो यहाँ से अपने को पता नहीं है, कस्टमर का लोकेशन अनवेरीफाइड है, तो अपन अभी पूछते पूछते जाएंगे, नहीं तो फ़ोन करके जाएंगे। अभी ओमकार कंप्यूटर बोला था, ओमकार कंप्यूटर से अपन आए। सो चलो गाइस देखते कस्टमर लोकेशन कहाँ पर है। देखो गाइस ICICI जगहों से हमको ट्रैवल करना पड़ता है, जोमेटो राइडर को, फूड डिलीवरी के जितने भी राइडर है ना, इस टाइप से हमको रात को ऐसे जंगलों में ट्रैवल करके ऑर्डर देना पड़ता है। अभी इस बंदे ने 12-13 किलोमीटर का ऑर्डर किया है, पता नहीं इसका अभी चाइनीज़ ठंडा हो गया होगा, गर्म रहा होगा, पता नहीं मेरे को। अभी अपना काम है पहुँचाने का, टाइमिंग के अंदर अपन पहुँचा देंगे। सो चलो गाइस कर, ओके नो प्रॉब्लम, आवाज नहीं आ रहा था क्या? आवाज नहीं आ रहा था, बहुत लंबा है। आपने चाइनीज भी बहुत लंबे से ऑर्डर किया, ठंडा तो नहीं होगा? नहीं ठंडा तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, ओके वेलकम मैम। इधर पास से ही करने का ज़्यादातर, क्योंकि वो बहुत लंबा गिर जाता है, फिर वो फूड ठंडा हो जाता है। ओके मैम वेलकम। सो दे दिया आपने ऑर्डर, और अपने को कितना मिला है 104, और लॉन्ग डिस्टेंस मिला है 8, वाह भाई वाह। अभी देखो अभी मेरे को 143 रुपये मिला है टोटल, हाँ बराबर। अभी इसमें से मैडम का टिप है मेरे को इसमें है, अभी देखो मेरे को पहला ऑर्डर का मिला 21 रुपये, दूसरा ऑर्डर मेरा 121 रुपीज़, अभी 121 कैसे मिला, इसमें 40 टिप है, तो ऐसे अपने को है ना कुल मिला के मिला 113 रुपये मिला, 113 रुपये, और 30 ये 30 मिला के 143 मिला, और अभी मेरे को 10-10 रुपये दो ऑर्डर का मिलेगा जो कि इसका है ऑफर का 10-10 रुपये। बोलो तो ये ऑर्डर गया अपने को 163 में गिरा ये ऑर्डर अपने को, टोटल तीन ऑर्डर में अपनी कमाई हो चुकी है 220 रुपये। सो गाइस चलो निकलते हैं, अभी ऑर्डर दे दिया अपने मैडम का, अभी जाएंगे सिटी के अंदर, अभी इधर तो ऑर्डर गिरना मुश्किल है, नामुमकिन है। चलो गाइस नाइट क्रिकेट, कौन सा प्लास्टिक बॉल होगा, आई थिंक प्लास्टिक बॉल क्रिकेट है,
हम पहले इतने खेलते थे और रात को 2-2 बजे तक प्लास्टिक बॉल पे बहुत मजा आने का। गांव में थे रहने के लिए तब खेलने के, जबरदस्त प्लास्टिक बॉल टूर्नामेंट रहने का, ऐसा मजा आने का ना खेलने को। चलो सो गाइस अपन जा रहे थे भिंगार से सिटी के अंदर, तो अपने को गिरा है ऑर्डर होटल न्यू रंजीत का, जो कि 2.5 किलोमीटर पिकअप और 2.5 किलोमीटर पिकअप और 6 किलोमीटर ड्रॉप, जो कि कंपनी ने मेरे को दिया है 58 रुपीज़। सो ऑर्डर पिकअप कर लेते हैं और निकलते हैं अभी। चलो गाइस ये सदर बाज़ार है ना, सदर बाज़ार के बीच में का वाला रास्ता जो कि भिंगार की बाज़ार पेट है, इसमें से गली बोलियों में से निकलते निकलते अपन जाएंगे। ये हाईवे भिंगार का, वो हाईवे बुरा नगर का, तो दोनों के बीच में से अपन गली गली से ढूंढते हुए शॉर्टकट मारते हुए निकलेंगे। आगे देखो मैडम ठोक दूंगा, शहाने ज्वेलर्स यहाँ पे मैंने ऑर्डर दिया है। हाँ देखो ये शहाने ज्वेलर्स पे ऑर्डर दिया मैंने। सो निकलते हैं गाइस, अभी यहाँ तक के पूरी तरीके से बाजार पेट ख़त्म और यहाँ से अभी चालू होगा जंगल, जंगल रात चालू होगा। देखो ये अंतिम चौक मठ भिंगार शहर, क्या है भाई यहाँ पर। चलो निकलेंगे अभी, ये शॉर्टकट का मैं बारिश में ज़्यादा यूज़ करता हूँ, भिंगार टू नागर देवले बारिश में, क्यों पता है क्या, उस साइड से दूसरे साइड से जो नाला है ना, नाला, बाप रे बाप इतना पानी आता ना वो नाले को, बहुत खतरनाक पानी आता है। जब भी अगर भिंगार की ऑर्डर गिरेंगी ना, भिंगार की ऑर्डर डिलीवर कर दिया अपने, तो 100% रंजीत का ऑर्डर लगता है। तो रंजीत का ऑर्डर गिरा ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं घूम के जाते हैं, अच्छी बात है घूम के जाना, क्योंकि क्या रात पेट का, रात बेरात का है ना रास्ता ख़राब है, चोरों का लुटेरे का डर नहीं, लेकिन बड़े बड़े कीड़े काटे ना रास्ते पे घूमते हैं, तो फिर शॉर्टकट यूज़ करना नहीं चाहिए। अभी जो कि 9 बज रहे करके मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो 10 के बाद मैं खुद भी शॉर्टकट यूज़ नहीं करता हूँ। देखो आ गया नागर देवले का मेन रोड, जो कि गूगल मैप ये रास्ते को है ना मोमिनपुरा या इस्लामपुरा कुछ तो नाम दिया है, और ऑर्डर कुछ अलग नाम से करते हैं लड़के लोग, लेकिन एक्चुअली देखा जाए ना गूगल मैप का इस रास्ते पे रास्ते का नाम दिया है मोमिनपुरा। तो आ गए अपन होटल रंजीत, ले लेंगे ऑर्डर और निकलते हैं बोर्ड रोड। सो गाइस फाइनली अपन आए घर पे, अभी 11 का ऑर्डर मेरा, 11 के दो मल्टी ऑर्डर के वजह से थोड़ा टाइम हो गया, और कस्टमर भी नीचे आने के लिए कान कूस कर रहा था, फिर बाद में चैट सपोर्ट की बात से फिर आ गया, बराबर नीचे आ गया। जो लास्ट ऑर्डर की जो मैं बात कर रहा हूँ वो इस वीडियो के अंदर नहीं आया, क्यों, क्योंकि मेरे हुए फाइल करप्ट, बहुत सारे फाइल करप्ट हो गए, जो कि मेरे को जो भिंगार सैनिक नगर का ऑर्डर लगा था उसके बाद के सभी फाइल करप्ट हो गए। मैंने एक सैंपल गोप्रो का वीडियो ऐड किया हूँ, शायद आपने देख लिया होगा, तो ये प्रॉब्लम है। अगर जरा गोप्रो का प्रॉब्लम होगा तो फिर इसका सर्विस सेंटर तो है नहीं, पुणे जाना पड़ेगा, तो आपने लिया है यहाँ से ऑनलाइन, तो मेमोरी कार्ड का प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है मेरे को, ये हमेशा हो रहा है, फाइल करप्ट हो रहे, जो कि अभी कम से कम 30 से 35 फाइल उड़ गए मेरे, जो भी है आपने देखा होगा ऐसा प्रॉब्लम है। तो ठीक है गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, जो भी जितना बना हुआ अधूरा वीडियो डाल दिया है मैंने, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, तब भी जरा ठीक नहीं है। मिलते कल कोई अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।